अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। #UPSCChor है, #UPSCScam, #CasteistUPSC, #UPSCStopSavarnaAppeasement। पिछले कुछ दिन से आप सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड्स होते देख रहे होंगे। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ लोग खुलकर लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि UPSC ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबके के कैंडिडेट्स को IAS IPS बनने से रोक दिया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? इस वीडियो में UPSC घोटाले की पूरी ABCD समझिए। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। संविधान बनाते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने लोकतंत्र के 3 खंभों के तौर पर विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन किया। उन्होंने उम्मीद की थी कि ये तीनों खंभे लोकतंत्र को संभाले रखेंगे, लेकिन संसद के बनाए जिन कानूनों को कार्यपालिका के IAS IPS जैसे अफसर अमल में लाते हैं, उन्हीं अफसरों को उनकी जाति देखकर चुना जा रहा है। ST ST OBC उम्मीदवारों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। बीते 4 अगस्त को UPSC ने रिजल्ट जारी किया तो चारों ओर ढोल बजने लगे कि कौन पहले नंबर पर आया और कौन दूसरे नंबर पर। मीडिया भी दे दनादन इंटरव्यू चला रही थी। लेकिन 5 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने दोपहर बाद अपने फेसबुक लाइव से ऐसा खुलासा किया कि हर कोई हैरान रह गया। दिलीप मंडल ने अपने वीडियो में समझाया कि कैसे UPSC ने SC ST और OBC समाज के कैंडिडेट्स को IAS IPS बनने से रोक दिया। ये परीक्षाएं 2019 में हुई थी और अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो 927 वैकेंसीज थी। इसमें IAS 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस मतलब IPS 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पोस्ट और ग्रुप बी के 135 पोस्ट। आप पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2019 में UPSC ने कुल 927 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन 4 अगस्त को रिजल्ट सिर्फ 829 पदों का जारी हुआ, तो फिर 98 पद कहां गए? UPSC ने यहां चालाकी की, उसने 182 उम्मीदवारों की लिस्ट को रिजर्व में डाल दिया। इस रिजर्व लिस्ट में जनरल कैटेगरी के 91, EWS के 9, OBC के 71, शेड्यूल कास्ट के 8 और शेड्यूल ट्राइब के 3 पद डाले गए हैं, जिसका रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। पहली नजर में आपको ये सामान्य सी बात लगेगी, लेकिन असल में खेल कुछ और ही है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझिए। UPSC परीक्षा के मुताबिक टॉप रैंकिंग में आने वाले कैंडिडेट्स को IAS IPS या फिर IFS जैसे बड़े पद दिए जाते हैं। इस बार OBC के कुल 251 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें से OBC के कुल 52 कैंडिडेट्स को IAS, 42 कैंडिडेट्स को IPS का पद मिला है, जबकि बाकी को अन्य पद दिए गए हैं। लेकिन OBC के जिन कैंडिडेट्स ने मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई किया है, उन्हें जनरल कैटेगरी में पद नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी कैटेगरी के आरक्षित पद पर ही जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आप 100 में से 100 नंबर लाकर जनरल कैटेगरी में टॉप किए हों, लेकिन UPSC आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं देगा, आपको अपनी कैटेगरी में ही सीट मिलेगी। फिलहाल ताजा रिजल्ट में OBC के 52 IAS बने हैं। मान लीजिए OBC के 20 कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में अव्वल रैंक लाए हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में IAS का पद मिलना चाहिए। अगर उन्हें पद मिलता है तो OBC के कुल IAS 52+20=72 हो जाएंगे, यानी OBC समुदाय के ज्यादा लोग अफसर बन जाएंगे। लेकिन UPSC ऐसा होने नहीं दे रहा, मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट को उसकी कैटेगरी में ही पोस्ट दे रहा है। दरअसल हुआ ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं OBC के 71, शेड्यूल कास्ट के 8 और सिविल ट्राइब के 3 और EWS के 9, ये वो कैंडिडेट हैं जो जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अब चूंकि ये जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और इनको बाहर रखना है, इनको अगर ऑलरेडी ये 91 कैंडिडेट को अगर ये कैंडिडेट को एडजस्ट कर लेते हैं जनरल मेरिट में,
तो जनरल कैंडिडेट की संख्या दरअसल घट जाएगी और जो जनरल कैंडिडेट जो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ 40% रह जाएगी। तो मैं अगर सिविल सर्विस में टॉपर भी हूं तो भी मुझे ये ओबीसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं। यूपीएससी ने एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके के लिए जो कट ऑफ लिस्ट बनाई है उससे भी उसकी नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स मेंस और फाइनल इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए कट ऑफ को कम रखा है जबकि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा नंबर का पैमाना तय किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 961 है और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 909 जबकि ओबीसी के लिए कट ऑफ रखा गया 925 यानी ईडब्ल्यूएस से 16 नंबर ज्यादा। इसका मतलब यही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा मिला। मोदी सरकार ने कानून बनाकर ईडब्ल्यूएस के नाम पर सीधे सीधे सवर्णों के लिए 10% पद आरक्षित कर दिए, बाकी बचे 40% पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में चले गए। लेकिन यूपीएससी 10% ईडब्ल्यूएस पद और 40% अनारक्षित पदों को सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को दे रहा है। इसे रिवर्स रिजर्वेशन कहा जा सकता है। खेल ये है दरअसल दोस्तों कि ये जो 91 ऑफिसर्स हैं ये बाद में जो नियुक्त किए जाएंगे ये कौन लोग होंगे। दरअसल ये 91 के 91 ऑफिसर्स जनरल कैटेगरी, जनरल में भी अपर कास्ट से ये 91 ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त कर लिए जाएंगे और इस तरह से आपका इस रिजर्वेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका उल्लंघन हो जाएगा। यानी जिन सवर्णों की आबादी मुश्किल से 15% भी नहीं है उन्हें कुल 50% पद दिए जा रहे हैं और 85% बहुजन आबादी को कैटेगरी वाइज समेटा जा रहा है। यूपीएससी के इस फर्जीवाड़े की पोल खुली तो उसे सफाई देने आगे आना पड़ा। यूपीएससी ने अपनी सफाई में कहा, यूपीएससी की चयन प्रक्रिया के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। यूपीएससी कानून के तहत चयन करता है। रिजर्व लिस्ट की प्रक्रिया दशकों से अपनाई जा रही है ताकि आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को उनकी वरीयता के हिसाब से सर्विस चुनने का मौका मिल सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस यूपीएससी में एक भी दलित आदिवासी या पिछड़ा अफसर निर्णायक भूमिका पर नहीं है वही उन्हें फायदा पहुंचाने की दुहाई दे रहा है। यूपीएससी की सफाई पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने जवाब दिया। यूपीएससी स्पष्टीकरण जारी करके कह रहा है कि हम लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं लेकिन वो हम पर मुकदमा नहीं कर रहा। मुकदमा करते ही सारे कागज निकलेंगे और चोरी का सामान बाहर आ जाएगा। #यूपीएससी चोर है। इस तरह के तमाम ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम यूपीएससी में कैटेगरी वाइज इंटरव्यू कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करते हैं। वो लिखते हैं, यूपीएससी रैंक के हिसाब से इंटरव्यू क्यों नहीं लेता, कैटेगरी के हिसाब से क्यों लेता है? इससे इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी को अलग दिन और रिजर्व कैटेगरी को अलग दिन निर्धारित करने में सुविधा होती है। इस तरह से कैंडिडेट की जाति सबको बता दी जाती है। #यूपीएससी चोर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ समस्या के बारे में बताया है, इसका समाधान क्या है? आइए हम आपको समस्या का समाधान भी बता देते हैं। समाधान नंबर एक, पिछले 10 साल के हर कैंडिडेट के रिटर्न और इंटरव्यू के नंबर यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हों। समाधान नंबर दो, अब से हर इंटरव्यू की वीडियोग्राफी हो और उसे लाइव स्ट्रीम किया जाए ताकि हमें पता चल सके कि सिलेक्शन पैनल कितना न्यूट्रल है। समाधान नंबर तीन, 10 साल की रिजर्व लिस्ट का पूरा हिसाब दिया जाए, यूपीएससी साबित करे कि रिजर्व लिस्ट अपर कास्ट लिस्ट नहीं है। समाधान नंबर चार, हर कैंडिडेट का रिजल्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए। समाधान नंबर पांच, यूपीएससी रिजल्ट प्रक्रिया को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। समाधान नंबर छह, कैंडिडेट्स का जातिवार इंटरव्यू बंद होना चाहिए। समाधान नंबर सात, कैंडिडेट्स के नाम और सरनेम की बजाय रोल नंबर से सिलेक्शन होना चाहिए ताकि सेलेक्टर्स को कैंडिडेट की जाति ना पता चले। समाधान नंबर आठ, चयन समिति में एससी एसटी और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। समाधान नंबर नौ, मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट्स को अनारक्षित श्रेणी में पद दिया जाना चाहिए। समाधान नंबर दस, यूपीएससी को ये समझना होगा कि अनारक्षित श्रेणी का मतलब सिर्फ सवर्ण जातियों के उम्मीदवारों को नौकरी देना नहीं है।
इन 10 उपायों पर काम कर यूपीएससी असल मायनों में पब्लिक सर्विस कमीशन बन पाएगा। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook पेज लाइक करें और हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो करें। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम।